हेलो दोस्तों, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी सीआईबी बैंक प्रमोशन के संबंध में यहां बात करें। जेआईबी का प्रिंसिपल प्रैक्टिस बैंकिंग क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 8 है। पहला सवाल है, इफ देयर आर डिक्लाइनिंग सेल्स लीडिंग टू डिक्लाइनिंग प्रॉफिट एंड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीजिंग एंड इंप्रूविंग देम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल बी अडॉप्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। बोलते हैं कि अगर डिक्लाइनिंग सेल्स हो रहा है जिसके कारण डिक्लाइनिंग प्रॉफिट हो रहा है और कोई संभावना नहीं है कि आपका इंक्रीज हो या इम्प्रूव हो प्रॉफिट, तो कौन सा स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ए ऑप्शन है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन, बी ऑप्शन है मोर ऑफ प्रोडक्ट एलिमिनेशन, मोर प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड सम प्रोडक्ट एलिमिनेशन, सी ऑप्शन है सम प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन मोर प्रोडक्ट एलिमिनेशन, डी ऑप्शन है मोर प्रोडक्ट एलिमिनेशन, सही ऑप्शन है डी प्रोडक्ट एलिमिनेशन। दूसरा सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। कौन सा इसमें जो ऑप्शन है वो सही है जहां ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन है ब्रांड कैन बी ए साइन और सिंबल बट नॉट ए नेम, बी ऑप्शन है वैल्यू ऑफ ब्रांड इज इट्स पावर टू कैप्चर कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड लॉयल्टी, सी ऑप्शन है ब्रांड्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन ड्यू टू यूनिक फीचर्स, डी ऑप्शन है स्ट्रांग ब्रांड्स एंजॉय हाई लेवल ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस एंड लॉयल्टी। ए ऑप्शन हो जाएगा ब्रांड कैन बी ए साइन और सिंबल बट नॉट ए नेम। तीसरा सवाल है, मैन्युफैक्चरर ऑफ ए कंज्यूमर प्रोडक्ट कीप्स द प्राइस ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट एट सब्सटेंशियली हाई एंड ओवर टाइम पीरियड टू रिड्यूस इट व्हेन द डिमांड रिड्यूसेस सच प्राइसिंग इज कॉल्ड। बोल रहे जो मैन्युफैक्चरर होता है कंज्यूमर का, शुरू में दाम बहुत ज्यादा रखता है नए प्रोडक्ट का, धीरे धीरे उसका दाम कम कर देता है आने वाले समय में क्योंकि डिमांड भी घट जाता है। इस तरह के प्राइसिंग में क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन ज्योग्राफिकल प्राइसिंग, बी ऑप्शन प्रमोशनल प्राइसिंग, सी ऑप्शन मार्केट स्टीमिंग प्राइसिंग, बी ऑप्शन साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा सी मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग। चौथा सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स। इनमें से कौन सा कंपोनेंट होगा प्रमोशन मिक्स का? ए पॉइंट है एडवर्टाइजिंग, बी पॉइंट है आपका पर्सनल सेलिंग, सी पॉइंट है पब्लिक रिलेशंस, डी पॉइंट है सेल्स प्रमोशन। ए ऑप्शन आ जाएगा ए टू डी ऑल, बी ऑप्शन आ जाएगा बी एंड सी ओनली, सी ऑप्शन आ जाएगा ए बी एंड डी ओनली, डी ऑप्शन आ जाएगा ए सी एंड डी ओनली। सही ऑप्शन आ जाएगा ए टू डी ऑल। पांचवा सवाल है, द सिस्टम ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन इज दैट पर्टेन्स टू मार्केटिंग। जो बोलता है सिस्टम होता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन का जो कि पर्टेन करता है मार्केटिंग के संबंध से। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका जो स्ट्रक्चर ऑफ पीपल इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स फॉर जनरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, बी ऑप्शन हो जाएगा द सॉफ्टवेयर यूज फॉर कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, सी ऑप्शन हो जाएगा द कंप्यूटर हार्डवेयर विच इज यूज फॉर हैंडलिंग डेटाबेस, डी ऑप्शन हो जाएगा सेट ऑफ इनपुट्स टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। सही ऑप्शन हो जाएगा ए द स्ट्रक्चर ऑफ पीपल एंड इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स फॉर जनरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। छठा सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन वैल्यू एडेड सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड अंडर द होलसेल बैंकिंग ऑफ बैंक बाय बैंक्स। बोलते हैं में से कौन सा चीज जो है इंक्लूड नहीं किया जाएगा वैल्यू एडेड सर्विसेज में जो कि ऑफर किया जाता है होलसेल बैंकिंग में को बैंक के द्वारा। ए ऑप्शन है डेरिवेटिव बेस्ड, बी ऑप्शन है आपको लेटर ऑफ क्रेडिट, सी ऑप्शन है एम्प्लॉय ट्रस्ट, डी ऑप्शन है चैनल फाइनेंसिंग। सही ऑप्शन है बी लेटर ऑफ क्रेडिट। सातवां सवाल है, अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट, आरबीआई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बोलते हैं अंडर सेक्शन 22 जो होता है आरबीआई एक्ट का, तो आरबीआई में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ए ऑप्शन हो जाएगा हैज अथॉरिटी टू इशू एंड मैनेज करेंसी ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन इश्यूज बैंक नोट्स एंड करेंसी नोट्स, सी ऑप्शन है कैन इश्यू बैंक नोट्स हैविंग डिनोमिनेशन रुपीज 2 एंड रुपीज 10,000, डी ऑप्शन हो जाएगा द बैंक नोट्स आर लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन इंडिया। सही ऑप्शन हो जाएगा बी इश्यूज बैंक नोट्स एंड करेंसी नोट्स। आठवां सवाल है, गवर्नमेंट रेगुलेट्स द बैंकिंग सिस्टम बाय अफेक्टिंग द डिसीजन मेकिंग बाय आरबीआई। बोलते गवर्नमेंट रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम को जहां पर अफेक्ट करता है डिसीजन मेकिंग आरबीआई के द्वारा, चूंकि ए ऑप्शन हो जाएगा गवर्नमेंट होल्ड्स द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ आरबीआई, बी ऑप्शन हो जाएगा गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शन टू आरबीआई अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ आरबीआई एक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा गवर्नमेंट हैज एब्सोल्यूट पावर्स ओवर द बैंकिंग सिस्टम। ए ऑप्शन हो जाएगा ए टू सी ऑल करेक्ट, बी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी ओनली आर करेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा बी एंड सी ओनली आर करेक्ट, डी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड डी ओनली आर करेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा बी ए एंड बी ओनली आर करेक्ट। नवा सवाल है, एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन ए बैंकिंग कंपनी विच एक्सीड्स परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल बाय द बैंक रिक्वायर्स एक्नॉलेजमेंट बाय बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ इन द बुक्स ऑफ कंपनी। बोलते जो कोई भी ट्रांसफर करना चाहते हैं शेयर्स का किसी बैंकिंग कंपनी में, जहां एक्सीड कर जाता है सर्टेन परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल जो बैंक का होता है जो कि जरूरी होता है एक्नॉलेजमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन से पहले, जो बुक ऑफ कंपनी होगा उसमें ऑप्शन है 5% से भी, बी ऑप्शन 5% आरबीआई, सी ऑप्शन 10% आरबीआई, डी ऑप्शन 10% कंपनी लॉ बोर्ड, सही ऑप्शन हो जाएगा बी 10 या 5% आरबीआई।
यहाँ पे एक मेगा ऑफर ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है। यहाँ पे आपको जेबी सेबी का वीडियो कोर्सेज कराया जाता है, सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है। यहाँ पे आपको लॉग इन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, उसके हिसाब से वीडियो लेक्चर कोर्सेज कर सकते हैं, कैसे स्टडी का वीडियो दे सकते हैं, 2060 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, यूके विजन नोट रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा। अगर आप जेबी का प्रिंसिपल्स और लीगल पेपर कर रहे हैं, पीपीटी वीडियो कोर्स दाम 600 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स है 1200 रुपये। जेबी के अकाउंटिंग पेपर कर रहे हैं, पीपीटी वीडियो कोर्स दाम 800 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम 1500 रुपये। जेबी का कॉम्पो पे करते हैं, तीनों पेपर एक साथ करते हैं, पीपीटी वीडियो कोर्स दाम 1500 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम 3000 रुपये। सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं, एबीएम प्लस बी ए, फिर पीपीटी वीडियो कोर्स दाम 1500 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम 2700 रुपये। सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर करते हैं, एबीएम प्लस बी एफ एम प्लस रिटेल बैंकिंग, पीपीटी वीडियो कोर्स दाम 2000 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम 3500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7825746946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudiomodel.com, ईमेल आईडी हो जाएगा सिर्सेना123@gmail.com।